ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की जिला यूनिट नीमच साल भर की कार्य योजना बनाकर उसके मुताबिक काम अंजाम दे रही है। कार्य योजना में हज के अलावा तालीम और सेहत जैसे मौजों को भी खिदमत का हिस्सा बनाए नीमच यूनिट द्वारा तैयार कार्य योजना को पूरे हिंदुस्तान में अमल में लाया जाएगा। उक्त विचार सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकीत खान ने व्यक्त किए। वे यहां जिला यूनिट द्वारा आयोजित पदाधिकारियों की मीटिंग, कार्यकारिणी का विस्तार एवं नए सदस्यों के इस्तकबाल कार्यक्रम में बतौर मेहमान में खुसूसी शामिल होने आए थे। स्थानीय करबला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सोसाइटी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद रियाज, राजस्थान इकाई के प्रभारी जाहिद खान पठान, जिला जोधपुर राजस्थान के अध्यक्ष सैयद आरिफ अली, सचिव शहजाद अंसारी, जिला इकाई धार के सचिव जुबैर कुरैशी, जिला यूनिट उदयपुर राजस्थान के प्रस्तावित अध्यक्ष रईस खान, राष्ट्रीय महासचिव सैयद रियाज ने सोसाइटी के लिए अलग से जकात फंड बनाए जाने का मशवरा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर इस फंड को जरूरतमंदों की तालीम पर खर्च किया जा सके। नीमच यूनिट के जिला अध्यक्ष लियाज खान पठान ने सोसाइटी की गतिविधियों व मुस्तकबिल की प्लानिंग की मालूमात की। सेक्रेटरी सईद खान ने बेहतर तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया। मौजूद मेहमानों के हाथों नए सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले सदस्यों को कोरोना योद्धा अवार्ड के सर्टिफिकेट दिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकीत खान ने केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सोसाइटी के बैनर तले सूचना एवं परामर्श केंद्र नीमच में खोले जाने का मशवरा दिया। लाइव टुडे के लिए उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता सलीम कुरैशी की रिपोर्ट।